नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज इस हाथ के विषय में आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम मैं फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हैं आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो आते हैं सर्वप्रथम यहाँ पर फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, ना ज़्यादा लॉन्ग है और ना नॉर्मल है। पूरे पाम के कंपेरिजन में इसकी आकार जो है छोटी देखने को मिल रही है, जिसके कारण बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट ऐसे लोगों में रहता है। कहीं ना कहीं जल्दबाजी एवं हड़बड़ी में निर्णय ले लेने वाले होते हैं और क्विक एक्शन डिसीजन लेने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ कंपेरेटिवली थोड़ी सी शॉर्ट है, तो कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा इसके कारण अफेक्ट आता है, जैसे मन के अंदर बात को दबाए रखना, अपनी बातों को प्रॉपरली कभी कभी व्यक्त नहीं कर पाना, अपोजिट जेंडर के प्रति शर्मिलापन महसूस करना। अदरवाइज देखें तो फिंगर यहाँ पर थोड़ी जो है ट्विल्टेड है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं एकांत प्रिय रहना इनको ज़्यादा पसंद रहेगा। और यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड फिंगर की लेंथ तकरीबन सेम है, जिसके कारण बहुत अच्छी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेंगे और रिस्क भी। आमतौर पर ऐसे लोग अपने लाइफ में नॉलेज बहुत अच्छा गेन करते हैं, अपने क्रिएटिविटी नेचर के कारण नेम फेम पॉपुलैरिटी भी बहुत अच्छा पाते हैं और अपने लाइफ में अब रॉयल्टी भी रखना बहुत चाहेंगे, यानी नौकर चाकर रखना ये आपको बहुत पसंद रहेगा। फिंगर के ऊपर ही सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर को इंडिकेट करती है, जिसके कारण व्यक्ति आसानी से हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने के काबिल होता है। और वहीं थंब की साइज़ की चर्चा करें तो ये यहाँ पर प्रोमिनेंट है, जिसके कारण जो आपका व्यक्तित्व रहेगा वो लोगों के सामने निखर के आने वाला रहेगा। और ये थोड़ी सी जो पीछे की ओर टिल्टेड हो रही है, तो इस कारण से फ्लेक्सिबल नेचर रहता है डिसीजन को लेकर के, जैसे आप जो फास्ट डिसीजन मेकिंग करते हैं उसी के अंदर जब जब आपको नीड रहेगी बहुत ईजिली आप उस डिसीज़न उस प्लानिंग के अंदर चेंजेस भी ले आएंगे और अपने आप को हर परिस्थिति में जैसा आप ढाल लेते हैं वैसे ही अपने डिसीजन में भी दिन प्रतिदिन चेंजेस आप एक्सेप्ट करते रहेंगे। अब यहाँ पर आते हैं आपके पाम के साइज़ के विषय में। तो यहाँ शुक्र जो है बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, जिसके कारण आपको लग्जरीज लाइफ की चाहत बहुत ज़्यादा रहेगी। लग्जरीज दिखावटी चीज़ें, वो जो थोड़ा सा दिखाने वाली जितनी भी ज़्यादा लाइफ में चीज़ें रहती हैं, बॉलीवुड जैसे रहता है, इन सब की ओर व्यक्ति का झुकाव बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर व्यक्ति शुक्र को थोड़ा शौकीन किस्म का बनाता है, खर्चीलापन बहुत ज़्यादा दे देता है, लेकिन लग्जीरियस लाइफ आप पूरी की पूरी जिएंगे, यानी हर चीज़ आपकी ठाट बाट की रहेगी, यानी दूसरों से अलग। आप कपड़े भी पहनेंगे तो बहुत स्टाइलिश फैशनेबल रहेंगे, भी तो बहुत इज्जत सम्मान के साथ साथ, प्लस आराम के साथ, हर प्रकार की सुख सुविधा के साथ, हर प्रकार का गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा रहन सहन, साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें एक व्यक्तिगत रूप में ही आ जाती हैं। तो आपका जो बेसिक जो लाइफ का नीड देखने को मिल रहा है वो कुल मिलाकर के पूरा लग्जरियस लाइफ को इंजॉय करना, फ़न करना, घूमना फिरना, खान पान अच्छा रखना, और जो जो चीज़ें आपको सोशल मीडिया या फिर जो एक फिल्म स्टार के लाइफ में या एक बड़े इंसान के जीवन में जो जो आपको दिखता है, वो सारी चीज़ों को भी आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कॉपी जल्द से जल्द करना चाहेंगे। अब इसके बाद आपका चंद्र भी बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो ये थोड़ा सा नेचर के अंदर फ्लक्चुएटिंग टाइप का पर्सनैलिटी डेवलप कर देता है, जिसके कारण किसी एक चीज़ पर अड़िक पर रह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इमोशनल लेवल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो इमोशंस में ही यही होता है कि कभी कभी आपको बहुत जल्दी चेंजेस आ जाता है। जो पर्सन आपको अच्छा लग रहा है वही इंस्टेंटली कुछ ऐसा हो जाएगा कि उससे आपको चिड़चिड़ मचेगी, थोड़ा सा डिस्टेंस आपको चाहिए रहेगा। कोई चीज़ आपको खुशी दे रही है तो सडनली वो चीज़ के साथ इमोशंस इतने जुड़ जाएंगे कि वो उसके कारण आप रोने भी लगेंगे। तो जब चंद्र व्यक्ति का ज़्यादा विकसित हो जाता है तो उसका मन भी बहुत ज़्यादा ही इधर उधर भटकने वाला, यानी फ्लक्चुएट होने वाला रहता है। इसके अलावा आपके अंदर इंस्पिरेशन यानी जो प्रेरणा है कोई काम कर गुजर जाने की बहुत अच्छा है, लेकिन थिंकिंग जोन और एक्शन जोन उसी प्रकार से वीक है। तो इस कारण से आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, यानी मानसिक जो मेहनत है बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन शारीरिक मेहनत उतनी नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं बैठे बैठे काम करना यही जो है चीज़ आपको ज़्यादा शोभा करेगी। और अब एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से यहाँ प्रारंभ करते हैं। तो गुरु पर्वत यहाँ पर वेल
डेवलप है और गुरु पर यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन भी मुझे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस कारण से आपके अंदर जुनून बहुत रहेगा, एम्बिशियस नेचर आपका रहने वाला है। इसके अलावा लाइफ में आप हमेशा अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाते रहने के यहाँ पर जो है प्रयास करते रहेंगे। और यहाँ पर जो प्रोग्रेस आपकी स्टार्ट हो रही है वो 23 प्लस एज के बाद से यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है। तो ये जान लीजिए कि 23 अप्रोक्स एज तक आते आते तक या उसके बाद से ही आपकी लाइफ में सडनली चेंजेस स्टार्ट होगा और आप दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस ही करते जाएंगे। कल से अच्छा आज का दिन होगा और आज से अच्छा कल का दिन आने वाला रहेगा। और यहाँ पर आपका आड़ी रेखा भी है तो आपके अंदर दयालुपन भी बेहद रहेगा। दूसरों का दुख दर्द आप नहीं देख पाएंगे और खुद से जितना बन पड़ेगा हमेशा सहयोग के लिए रेडी रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ दिखती है कि एनिमल लवर रहेंगे आप, आपको एनिमल के प्रति भी बहुत ज़्यादा स्नेह प्यार रहेगा। और जैसे हृदय रेखा भी की भी यहाँ पर कनेक्टिविटी आपके यहाँ पर गुरु से है तो आपको आपके प्यार के ऊपर बहुत गर्व रहेगा। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली रहेगी। इसके अलावा आप थोड़ा सा आराम जो है आप अपने लाइफ में ज़्यादा आराम को जो है प्रेफर देने वाले रहेंगे। प्लस बहुत इमोशनल नेचर भी रहेगा आपका, आप दिल से बहुत ज़्यादा सोचेंगे और प्रैक्टिकलिटी उसी अकॉर्डिंगली थोड़ी सी कम रहेगी। दिल से ज़्यादा सोना जल्दी दिल से ज़्यादा सोचना, जल्दी भावुक हो जाना, फटाफट निर्णय ले लेना, इस प्रकार की हैबिट आपके अंदर रहेगी। तो गुरु माउंट कुल मिलाकर के ठीक है, आपको नॉलेज भी अच्छा देगा और लाइफ में प्रोग्रेस भी अच्छी यहाँ पर करवाएगा। शनि के क्षेत्र पर आते हैं तो शनि पर्वत यहाँ पर नॉर्मल है और मैं आपका यहाँ पर दूसरा पाम पिक यूज़ करूँगा, लेकिन यहाँ बता दूँ नीचे का एरिया कवर कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर जो शुक्र है यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन बहुत अच्छी मूडी हुई है। तो ये जो एज है आपकी 87 प्लस आसानी से यहाँ पर प्रिडिक्ट हो रहा है। इसके अलावा सीधी खड़ी जितनी भी रेखा है ये भाई बहनों के सहयोग के साथ साथ लाइफ में मिलने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करता है, जो कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा। आप अपॉर्चुनिटीज़ को जानिए और उसका हमेशा फ़ायदा उठाते रहें। तो यहाँ पर आपके शनि के क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो भाग्य रेखा आपके राहु के क्षेत्र से प्रारंभ हो रही है, फिर माइंड लाइन से स्टार्ट होते हुए यहाँ पर चल रही है, वहीं हृदय रेखा पर भी एक से अत्यधिक रेखा है। तो एक ही समय पे एक से ज़्यादा काम करना आपका नेचर में रहेगा और एक से ज़्यादा माध्यमों से आपका धन अर्जन होने का भी योग यहाँ पर अच्छा है। इसके अलावा आते हैं यहाँ पर आपके सूर्य के क्षेत्र पर, तो सूर्य पर भी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर भी बिखरी हुई रेखाएँ जो हैं इस प्रकार से चल रही हैं, जिसके कारण डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम आती होगी। कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने में दूसरों की आवश्यकता पड़ती होगी और यहाँ पर ये लो कॉन्सेंट्रेशन, बहुत जल्दी माइंड का कन्फ्यूज़ हो जाना, ध्यान भटक जाना, इन सब के योगों को भी यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं करियर को लेकर के भी अभी भी आपके अंदर धुंधलापन ज़्यादा है, तो सूर्य को यहाँ पर मजबूत करिए, अदरवाइज आपको करियर में जो है ऐसी ही डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। और सूर्य रेखा आपके अंदर की ओर झुक रही है, जिसके कारण आपके प्रॉपर्टी बनने के योग बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मरकरी माउंट पर आते हैं तो मरकरी माउंट आपका अच्छा है और वहीं एक से अत्यधिक रेखा बहुत ही अट्रैक्टिव नेचर को इंडिकेट करता है। तो आप में बोलने की कला या आपका आचरण व्यवहार कुछ ऐसा रहेगा कि दूसरे लोग आपके प्रति बहुत जल्दी ही आकर्षित हो जाएंगे और आप दूसरों से अपनी बात मनवा लेने में माहिर भी रहेंगे। यहाँ पर जो कन्विंसिंग स्किल है बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, आपके काम ज़्यादा रुकेंगे नहीं और बिजनेस लाइन में भी आपके जो है प्रोग्रेस के चांसेस और मेडिकल लाइन में बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हृदय रेखा आपकी इस प्रकार से निकलते हुए गुरु से कनेक्टेड है, तो थोड़ा सा आप जिससे भी दिल लगाएं तो थोड़ा सोच समझ करके ही लगाइएगा, क्योंकि आपके रिलेशन बिल्ड भी जल्दी होते हैं और टूटने में भी बहुत टाइम लगता है। आप किसी को भुला नहीं पाते बहुत जल्दी, तो ये भी एक इशू रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर लाइफ लाइन आपकी इंडिपेंडेंट चल रही है माइंड लाइन से, तो इस कारण से जिद्दीपन आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। अब आप हमेशा इंडिपेंडेंट रहना पसंद करेंगे, किसी के दबाव में नहीं रहना चाहेंगे और अपने मन की जब तक आप नहीं कर लेंगे तब तक आप शांति से भी नहीं बैठेंगे, तो ये एक प्रकार के जिद्दीपन को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो ये जिद अपने करियर को लेकर के और अपने एम को लेकर के आप रखेंगे तो आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे, और किसी और चीज़ को लेकर के आप अपना ज़िद जो है ना दिखाएं। और यहाँ पर जो माइंड लाइन है आपकी लॉन्ग भी है
और ये सपोर्टिव जो है मून लक यहाँ से निकली हुई है आपकी। तो ये लॉन्ग माइंड लाइन लॉन्ग स्टडीज़ को बताता है कि आप लाइफ में स्टडीज़ किसी भी लेवल का कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं दिख रहा है। और एक सपोर्टिव लक लाइन भी आपकी आई हुई है जिसके कारण आपको बाहरी दुनिया, बाहरी लोग, जन्म स्थान से दूर बहुत प्रोग्रेस मिलेगा। फॉरेन से आपकी कनेक्टिविटी भी रहने वाली रहेगी। और डायरेक्ट आते हैं लाइफ लाइन पर, तो लाइफ लाइन का फ्लो इस प्रकार से निकलते हुए चंद्र पर आपका जा रहा है जिसके कारण ये फॉरेन ट्रैवलिंग को ही इंडिकेट करता है। विदेश जाने का योग बहुत अच्छा है आपका, विदेशी भूमि से लाभ भी आपको मिलेगा और वहीं लाइफ लाइन से भी आपकी प्रोग्रेस लाइन निकलते जा रही है। तो आप अपने खुद के मेहनत और एफर्ट्स के द्वारा भी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। अब जो कुछ दिक्कत आ रही है वो कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे कि ये मंगल रेखा आकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। जब मंगल रेखा काटती है तो जल्दबाजी, हड़बड़ी में किया गया अक्सर हर काम नुकसानदेह साबित होता है, गुस्सा खराब होता है और फ्यूचर से रिलेटेड टेंशन ज़्यादा होता है, हेल्थ रिलेटेड थोड़े इश्यूज भी आते हैं। तो मंगल के रेमेडीज़ मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। और इसी के माध्यम से आपका जो राहु है इसके ऊपर सीढ़ी नुमा आकृति यहाँ पर बन रहा है। राहु के क्षेत्र पर इस प्रकार की आकृति बनना बेहद ही शुभ होता है और बेहद ही कम इसे देखा भी जाता है, बहुत रेयर साइन ये होता है। जब ये साइन किसी के हाथ में होता है तो राहु थोड़ा कुछ लेकर के व्यक्ति को बहुत कुछ देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि लाइफ में आपके थोड़ा थोड़ा कभी कभी चीज़ें छूटती जाती हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपके लाइफ में आते से ही चले जाएगा, लेकिन उसके बदले में बहुत कुछ नया आपको लाइफ में मिलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि कुछ पा करके बहुत कुछ खो करके बहुत कुछ पा लेना। इसके अलावा राहु जो है इसका कोई भरोसा नहीं होता है कि ये आपको कब अपने रिजल्ट दे, कितना आपको दे, कितना नहीं दे, लेकिन ये जान लीजिए कि राहु की कृपा रहेगी आपके ऊपर और इसी कारण से आपका जो लाइफ है पूरा का पूरा सक्सेसफुल साबित होगा। अचानक से खूब धन आपको आपके जीवन में आता रहेगा, अचानक से प्रॉपर्टी मिलेगी, अचानक से सक्सेस आपको आपके लाइफ में मिलेगा, अचानक से बहुत चीज़ें गेन होने लगेगी, बहुत कुछ बेहतरीन होने लगेगा, बहुत अच्छा मनी भी आप अपने लाइफ में स्टोर इस कारण से कर पाएंगे। तो ये बेहद ही शुभ चिन्ह है। बस मंगल यहाँ पीड़ित ज़्यादा है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बाहरी मंगल आपका अच्छा डेवलप है जिसके कारण साहसी रहेंगे आप, जुनूनी भी रहेंगे, हौसला भी आपके अंदर अच्छा रहेगा और शुक्र अपने आप में अच्छा खासा डेवलप है, तो आप बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म के रहेंगे, किसी चीज़ की आपको लत भी लग सकती है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बच करके रहें और बाकी ओवरऑल आपकी लाइफ जो है पूरी ऐशो आराम और हर प्रकार की सुख सुविधा के साथ यहाँ पर जो है बीतेगा। केतु माउंट कुल मिला करके ठीक है और चंद्र पर इस प्रकार की थोड़ी आड़ी रेखा जो है एडिक्शन को भी इंडिकेट करती है और मन में असंतुष्टि को बताता है। तो किसी भी चीज़ को लेकर के आप बहुत जल्दी अनसेटिस्फाई हो जाते हैं, तो इसके लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है, चंद्र के उपाय भी करना ज़रूरी है ताकि आप मन से खुश रह सकें। यहाँ पर आपका जो फेट लाइन निकला हुआ है ये मून असल में आपका बिजनेस लक लाइन है जो व्यापार में आपको प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है और इसी के द्वारा यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी क्रिएट हो रहा है जिसके कारण धन जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु पर बहुत शुभ चिन्ह बन रहा है जीवन रेखा के द्वारा और धन अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।